स्त्री पुत्र मकान दुकान रुपया पैसा ये सब सुखी होने के उपाय झूठे हैं, 100% झूठे हैं, 1% नहीं है। संसार में कोई भी सुखी हो पाया? अरे हो पाया, चलो हो तो नहीं पाया, हो सकता है? इतिहास में तो कोई कह के नहीं गया कि हम संसार में सुखी हो गए थे। तीर्थंकर नहीं कह पाए, चक्रवर्ती नहीं कह पाए। अरे छोड़ो तीर्थंकर चक्रवर्ती तो तुमने नहीं देखे, जितने बड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारी राष्ट्रपति कमिश्नर दुनिया भर के, इनसे पूछो रिटायर होने के बाद सुखी हो गए? इतने बड़े पद पर रह लिया तुम, अब तो सुखी हो? तो बगीचे में घास काटता फिर रहा है कि क्या कर रहे हो? पूर्व कमिश्नर, अभी चस्का गया नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री, घर के पहले तो घर के सामने बोर्ड लगा रखा था कमिश्नर, फिर वो हट गया रिटायर हो तो क्या लगा देता है? पूर्व कमिश्नर। ओ अब पूर्व माने समझते हो, पहले थे अब कुछ नहीं है, अब तो माली का काम करता है। उससे पूछो क्यों आप तो कमिश्नर थे, कहता भैया थे अब तो टाइम काटते हैं, भले किसी से ईगो के कारण कहे चाहे नहीं कहे। इस संसार में कौन सुखी हुआ है? सिकंदर ने कितने उपाय करे सुखी होने के, चलो तुमने सिकंदर भी नहीं देखा, तुमने माइकल जैक्सन तो देखा है, तुम्हारे तुमसे भी छोटा था, तुमसे भी कम उम्र का था, वर्ल्ड लेवल का आदमी था, उसके सामने पीएम कुछ नहीं है, बताया आपको इतनी ख्याति थी उसकी, उसके लिए आदमी जान देने को तैयार था, उसकी एक झलक पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार था, जिसने अपनी निगरानी में 50 डॉक्टर घर में परमानेंट रख रखे थे, समझ में आया? और ऐसे आदमी रख रखे थे कि अगर मेरी किडनी खराब हुए तो तुरंत दे देना, माने मैचिंग करा के रख रखे थे, ब्लड ग्रुप वाले रख रखे थे, हजारों प्रकार के इंजेक्शन लगवाता था कि कोई शरीर में बीमारी नहीं पनपनी चाहिए। बड़े से बड़े उपाय जो जगत में जीव समझाते थे बताते थे वो करवाता था। साउथ अफ्रीकन था, काला था, तो कालापन पसंद नहीं था तो पूरी स्किन ही चेंज करा दी, गोरा हो गया, माँ बाप बदल दिए, काले माँ बाप पसंद नहीं, क्या हुआ? हो गया सुखी? कहते हैं कि जितनी दर्दनाक मौत उसकी हुई दुनिया में उतनी दर्दनाक मौत की, जो लो सोचो, तुम कहते हो पैसा तुम्हें सुखी कर देगा, तुम्हें डॉक्टर बचा लेंगे, तुम्हें तुम्हारे बच्चे सुखी कर देंगे, किस आधार पर कर देंगे पहले आधार बताओ, बच्चे सेवा के नाम पे क्या कर सकते हैं बताओ? तुम बीमार पड़ोगे तो तुम्हें अस्पताल ले जा सकते हैं, डॉक्टर जो खर्चा बोले वो खर्चा कर, और तो नहीं कुछ कर सकते। तो तुम अगर इस बात को समझते हो तो माइकल जैक्सन जैसे लोगों के पास किस बात की कमी थी जिनने डॉक्टरी पहले रख ली है? अभी वो 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला चले गए, शेयर मार्केट का किंग, शेयर मार्केट का किंग था, किंग जिसका माइंड हवा के माफिक चलता था, कंप्यूटर से तेज, ऐसे कहते ना मैं उड़ती चिड़िया के पढ़ कर लेता हूँ मैं, है कहावत है, वो ऐसा दिमागदार था। 10-15 सालों में उसने जितना पैसा कमाया कोई नहीं कमा सकता, और माइंड से कुछ नहीं, सिर्फ शेयर मार्केट, उसको ऐसा था कि उसका दिमाग चलता था कि ये शेयर बिकेगा इतने रुपए जाएगा, समझ में आया? पहले पता देता था ये जाएगा, और उसका स्टॉक वो कर लेता था बहुत बड़े लेवल पे, हाँ और घर में घर बेचता था, और 62 साल की उम्र में चला गया, सुखी हो गया, कितना सुखी हो गया? हाँ अभी आपको ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हें ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि इतने बड़े बड़े उपाय झूठे निकल गए,
हवा निकल गई, उतने बड़े बड़े उपायों की। और ये हमारे छोटे छोटे उपाय, हम इनके भरोसे जी रहे हैं। है समुद्र में तूफान आया और बड़े बड़े जहाज डूब गए और तुम छोटी सी नाव में सोच रहे हम बच जाएंगे। वाह, बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर। तो श्री गुरु कहते हैं कि ये जीव मिथ्या दर्शन के कारण जो उपाय सच्चे हैं, जो उपाय सच्चा है, सच्चे है नहीं कह रहा हूँ, सच्चा है कह रहा हूँ। क्यों? सुखी होने का उपाय एक ही है, इसलिए सच्चा। और दुखी होने के उपाय बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं? कितने हैं? दुख कितनी जगह से मिल रहा है तुम्हें? एक जगह से, चारों तरफ से है, चारों तरफ से। लेकिन उसका सूत्र एक ही है, मोह। जैसे चुंबक होती है ना, चुंबक, तो चुंबक क्या है कि चारों तरफ से लोहा खींचती है, एक तरफ से खींचती है कि चारों तरफ से, कहीं से आएगा लोहा खींच लेगी, है ना। ऐसे ही मोह चारों तरफ से दुख खींचता है। मोह माने दुख को खींचने वाली चुंबक। संसार में जहां जितना दुख है मोह खींचता है, कहता है इसको करो दुखी। इसलिए बच्चों से आकुलता मिलती है, पत्नी से आकुलता मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? संयोगों से कौन सा सुख मिलता है? फिर भी मजा देखो तुम, ये है मोह का मजा, ये है मिथ्या। 60 साल की उम्र में भी, 60 साल की उम्र मतलब 15 साल घटा दो, 45 साल की उम्र के एक्सपीरियंस में ये एक्सपीरियंस नहीं ले पाया, ये सुखी होने का उपाय नहीं है। 60 साल के तो होने वाले हो ना, कोई 54 का है, कोई 55 का है, कोई 52 का है, तो इतने दिन में ये बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि यार मैं सुखी हुआ भी हूँ कि नहीं हुआ हूँ। ज्यो की तुम आकुलता कसाय कई गुनी हो गई, स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही, ओहो कितना दुख है। और फिर भी अंदर मन कहता है कोई बात नहीं, ये उपाय झूठा हो गया, अभी और आगे कर, अभी आगे कर, आगे कर, आगे कर। इसलिए देखो टोडामल जी साहब समझाते हैं कि ये जीव परीक्षा क्यों नहीं करता, धर्म की परीक्षा क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते। पकड़ में आ गई? हम परीक्षा क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमें यहाँ पे कोई प्रयोजन भाषित नहीं, हमें तो बस यहाँ पे। इसलिए देखो धर्म में अंधी भक्ति, भेड़ चाल बहुत चलती है, और क्षेत्रों में चले चाहे नहीं चले। जैसे अभी तुम लोग ऐसे दीपक की आरती करते ना, और कोई कहते ऐसी करो इसमें ज़्यादा पुण्य बनता है, ऐसी कर ले। कोई कहता है चावल जो है पीले चढ़ाओ, अच्छे कलर्ड केसरिया, भगवान ज़्यादा भक्ति बढ़िया होती, तो पीले चढ़ाने लगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि यहाँ उसे कोई लेना देना नहीं है किसी भी रूप में कुछ। उसको तो सीधी सी बात है, जैसा बता दो जी वो कर दे। आदमी बीमार है, दुखी है, जैसा बता दो जी वैसा कर लेंगे, ख्याल में है ना। डॉक्टर जैसी कहते, ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जैसा कह दो जी हम तो वैसा कर लें। तो ये टोडामल जी साहब कहते हैं तुम धर्म के क्षेत्र में बुद्धू इसलिए हो कि तुम यहाँ परीक्षा करने को राजी नहीं हो, जो जैसा कहता है वैसा करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें धर्म सुखी होने का उपाय दिखता नहीं है।